बच्चों की ब्रेन की डेवलपमेंट एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। माँ के गर्भ में शुरुआत के 3 महीने में बच्चों का बेसिक ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद वो ब्रेन की डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शुरुआत के 2 साल में ऑलमोस्ट 90% जो ब्रेन बच्चों की तैयार हो जाती है, फिर ब्रेन का कनेक्शंस और लर्निंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। अब ये बच्चों में जो देरी से बोलना, देरी से चलना, ये एक बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है जिसको लेकर पेरेंट्स यहाँ पे ओपीडी में हमें दिखाने के लिए, अपने क्लिनिक में दिखाने के लिए आते हैं कि बच्चा 8 महीने का हो गया, बैठ नहीं रहा है, बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक जस्ट बैठ रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। तो इसको डेवलपमेंट डिले को समझने से पहले डेवलपमेंट माइलस्टोन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। माइलस्टोन्स का मतलब क्या है? माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एज में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा 3 महीने में ये करेगा, 6 महीने में ये सीखेगा, 9 महीने में ऐसे सीखेगा, 1 साल में ये करेगा, 1.5 साल में ये करेगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों को, नॉर्मली ग्रोइंग बच्चों को। तो वो होते हैं माइलस्टोन्स कि 1 साल के बच्चे हैं तो बच्चे चलने चाहिए, बच्चे को मामा बाबा बोलना चाहिए, बच्चा इंटरेक्ट करना चाहिए, टाटा करना चाहिए। तो ये हैं माइलस्टोन्स। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं, ज़्यादातर इसको समझने के लिए इसको 4 डोमेन्स में डिवाइड किया है। 4 डोमेन्स, सबसे पहला है ग्रॉस मोटर डोमेन, दूसरा डोमेन है फाइन मोटर डोमेन, तीसरा है लैंग्वेज और स्पीच, और चौथा है सोशल माइलस्टोन्स। तो ये 4 डोमेन बच्चा एक साथ ही सीखता रहता है। लेकिन अभी इसको माइलस्टोन्स को 4 डोमेन में डिवाइड करने का मतलब क्या है, मैं इसको आखिरी में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। लेकिन ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स का मतलब है कि बच्चों का जो मेजर जॉइंट्स है, जैसे गर्दन है, ये जो शोल्डर गर्डल है, जो हिप का जो है जगह है, इसके डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि शुरू के 2 से 3 महीने से ही बच्चा जो है अपना गर्दन को थोड़ा संभालने लग जाता है। 3-4 महीने में बच्चा गर्दन को संभालता है। शुरुआत में उसको सपोर्ट देना पड़ता है माँ को, फिर 3-4 महीने में वो अपने आप से भी गर्दन को संभाल सकता है। जैसे 4-5 महीने का हो जाएगा वो पलटी मार सकता है, इस पोजीशन से उस पोजीशन में पलट के जा सकता है। 5 से 6 महीने का होगा तो माँ उसको पकड़ के बिठाएगी तो बैठ जाता है। पीछे अगर तकिया लगा देंगे तो 5-6 महीने में बच्चे थोड़े सपोर्ट से बैठ सकते हैं। जैसे बड़े होंगे 8-9 महीने में बच्चे खुद से भी उठ के बैठ जाते हैं, बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हैं ना, तो सीटिंग विदाउट सपोर्ट जो कहते हैं, वो 8-9 महीने के अंदर ही वो आ जाता है। फिर और बढ़ते बढ़ते जैसे वो 9-10 महीने का हो जाएगा, कई सारे बच्चे को अगर हम पकड़ेंगे तो खुद से खड़ा होने लग जाता है। 10-11 महीने में पकड़ के कुछ स्टेप्स धीरे धीरे चलाने लग जाते हैं। बढ़ते बढ़ते जब 11-12 महीने के आसपास जब आता है तो कई बच्चे बिना पकड़ के भी, हल्का हल्का इम्बैलेंस रहेगा लेकिन वो खुद से चलने लग जाते हैं। और बढ़ के जब 14-15 महीने का होगा, उनके चलने के जो है वो बैलेंस और अच्छी हो जाती है। 17-18 महीने तक होते होते कई सारे बच्चे दौड़ने भी लग जाते हैं, थोड़े इम्बैलेंस रहता है लेकिन वो दौड़ने लग जाते हैं। 2 साल तक वो फ्लुएंटली दौड़ने लग जाते हैं, सीढ़ियों में चढ़ने लग जाते हैं, एक के बाद एक कदम रख रख के वो सीढ़ियों में चढ़ने लग जाते हैं। और उम्र बढ़ते हुए जाएगा, 2-2.5 साल के होंगे तो सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ सीढ़ी से नीचे उतर भी सकते हैं। और आगे जब 2-3 साल का होगा तो वो थोड़ा साइकिल को बैलेंस अगर कोई कर दे तो ट्राई साइकिल राइड कर सकते हैं, और 3.5-4 साल में एक पैर में खड़ा हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चा जो है धीरे 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 उसके सारे जो मेजर जॉइंट्स है उसमें डेवलपमेंट हो जाती है और ब्रेन का वो मैच्योरिटी के साथ वो सारे चीज़ें कर सकता है। ये होता है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स। अब दूसरा जो माइलस्टोन्स है वो है फाइन मोटर। फाइन मोटर का मतलब है ये छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो उंगलियों के हैं, तो इसकी जो डेवलपमेंट है और इसका और जो आई का जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ, क्योंकि फाइन मोटर डेवलपमेंट के साथ उसका जो आँखों का जो विजन का माइलस्टोन्स भी साथ साथ में बच्चों का बढ़ता है। तो 2-3 महीने में बच्चे जो हैं अपने हाथों को लाके मुँह में माउथिंग जो बोलते हैं वो शुरू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चे उनके जो हाथ जो टाइट रहते हैं शुरू में 2 महीने में मुट्ठियाँ बंद रहती हैं बच्चों की, धीरे धीरे मुट्ठी 3-4 महीने के बाद बच्चों की मुट्ठियाँ खुल जानी चाहिए। फिर बच्चे उसके बाद जैसे वो 4-5 महीने के हो जाते हैं तो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथ को रीच आउट करते हैं, जिसको रीचिंग कहते हैं। तो रीचिंग करीब 4-5 महीने में शुरू हो जाती है, तो उनका विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन तब शुरुआत हो जाता है। शुरुआत में वो दोनों हाथ से
चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो 6-7 महीने हो जाते हैं तो दो हाथ की जगह वो एक हाथ से ही चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 7 महीने 8 महीने के आसपास देखेंगे तो चीज़ों को वो ग्रॉसली पकड़ते हैं, जिसको पाल्मर ग्राफ्स कहते हैं, बहुत अच्छे से नहीं ग्रिप कर पाते हैं चीज़ों को। लेकिन जैसा उम्र बढ़ के 8-9 महीने के तरफ जाते हैं तो उनकी जो है ये फिंगर्स, दो फिंगर से भी चीज़ों को उठा सकते हैं। वो छोटा छोटा कुछ अगर आप पैसे का कॉइन देंगे तो इसको उंगलियों से उठा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिंसर ग्रैप्स। तो दो उंगलियों से भी चीज़ों को, नीचे जो गिरी हुई है उसको उठा सकते हैं। जैसे और उम्र बढ़ते जाएगा 11 महीना 12 महीना, तो अगर आप पेन देंगे तो खाली पेपर में पकड़ के वो कुछ स्क्रिबल कर सकते हैं, कुछ कोर सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो ये होता है 12 मंथ्स के आसपास, 12-13 मंथ्स में। जैसे और उम्र बढ़ती हुई जाएगी तो उनका ये जो हैंड का फंक्शन और बेटर होते जाता है, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा और उम्र बढ़ गया तो थोड़ा सा सर्कल का कोशिश करते हैं, सर्कल सा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो दो साल के ऊपर चला जाएगा तो जो शर्ट के बटन्स होते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा तो शर्ट के बटन्स को खोलना, बंद करना, जूतों का लेस को टाई करना है, तो ये सारे फाइन मोटर फंक्शंस के अंदर आते हैं। 1.5 साल 2 साल में बच्चे को अगर गेम्स, वो क्यूब्स बनाने वाला अगर गेम्स देंगे तो क्यूब्स को एक के बाद एक एक लाइन में टावर बना सकते हैं। वो शुरुआत के करीब 15-16 महीने में केवल 2-3 क्यूब्स लगा सकते हैं। जैसे उम्र बढ़ेगा 2 साल में वो 6-7 क्यूब्स तक क्यूब्स के टावर बना सकते हैं। तो ये सारे फाइन मोटर माइलस्टोन्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा डोमेन, यानी कि स्पीच और लैंग्वेज डोमेन। मैंने इसके लिए एक सेपरेट सब वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप डिटेल ही देख सकते हैं कि स्पीच के माइलस्टोन्स में क्या क्या होती है। तो शुरुआत से ही बच्चे जो है बोलने से पहले सुनते हैं, तो हियरिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए कई बच्चे जो लेट से बोलते हैं उनको हम पहले हियरिंग असेसमेंट करते हैं कि बच्चे का जो हियरिंग जो है वो ठीक है। तो स्पीच के लिए बच्चे शुरुआत के 5-6 महीने में एक एक शब्द बोलते हैं, माँ दा या फिर इस तरीके से कुछ वर्ड्स बोलते हैं जिसको बैबलिंग कहते हैं, वो शुरुआत होता है। 8-9 महीने में वो दो वर्ड को जोड़ सकते हैं, जैसे मामा बाबा, इस तरीके से दो वर्ड को जिसको हम 22 सिलेबस कहते हैं वो बोलना लग जाते हैं। करीब करीब 1 साल के होने के बाद वो मामा दादा को छोड़ के भी कुछ एक्स्ट्रा और एक वर्ड तक बोल सकता है। जैसे 17-18 महीने का होगा तो वो 4 से 5 मीनिंगफुल वर्ड बोल सकते हैं। मीनिंगफुल का मतलब है कि मामा को देख के ही मामा बोलेगा और पापा को देख के ही पापा बोलेगा। तो इस तरीके से 4 से 5 मीनिंगफुल वर्ड्स वो बोल सकता है। आगे और करीब 2 साल के होने के बाद वर्ड्स की वोकैबुलरी बहुत सारी बढ़ जाती है, 40-50 वर्ड्स तक उसको समझ में आ जाती है। और 2.5 साल के आसपास कई बच्चे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कि जैसे कि पानी दो, दूध दो, वो लाओ, नहीं जाना, इस तरीके से दो वर्ड को जोड़ सकते हैं करीब करीब 2.5 ईयर्स होने तक। फिर 3 ईयर्स होने तक कई बच्चे 3 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, 3 वर्ड सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो अपने नाम अच्छे से बता सकते हैं। कई बच्चों को अपने या मेल फीमेल का डिफ्रेंशिएशन भी 3 साल के बाद समझ में आ जाती है। इसके अलावा करीब करीब 12-15 महीने के होते ही बच्चे को अगर हम केवल नाम से बुलाएं तो भी वो रिस्पोंड करते हैं बिना जेस्चर्स के साथ, कि बाबू ये लेके आओ, तो वो लेके आते हैं। थोड़ा बड़ा होगा 17-18 महीने का तो बिना जेस्चर्स के बाबू ये लेके आओ बोलने से वो लेके टू सेंटेंस कमांड हम जैसे बोलते हैं कि वो लेके आ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं स्पीच और लैंग्वेज के अंदर आती है। उम्र बढ़ते बढ़ते जाते जैसे बच्चे 3.5-4 साल तक होते हैं, 4 साल के बच्चे तो फुल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं कि ये हुआ, उसके बाद इसने ये किया, फिर उसके बाद मैंने ये किया, इस तरीके से वो सीक्वेंस से चीज़ों को समझा सकता है। तो ये हो गई स्पीच के माइलस्टोन्स। फिर सोशल माइलस्टोन्स जो होता है, शुरुआत के 2-3 महीने में ही बच्चों के आई कांटेक्ट आ जाती है, वो माँ को सबसे पहले आँखों में देख के ही हंसने लग जाते हैं, तो वो आई कांटेक्ट आता है और सोशल स्माइल है, वो फर्स्ट टू थ्री मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है।
फिर शुरुआत के 5-6 महीने से ही वो अपने माँ और बाकी लोगों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है आवाज़ों से, और उनके प्रेजेंस से भी वो चीज़ को समझ सकता है। बाद में जैसे 7-8 महीने का होगा तो बाहर के लोगों को या घर के लोगों को पहचानता है, जिसको हम स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। तो वो किसी के दूसरे के साथ वो जाएगा नहीं, है ना, बच्चे रोने लग जाते हैं कोई नए लोगों के साथ। तो ये है स्ट्रेंजर एंजाइटी जो 7-8 महीने में आती है। 9-10 महीने के आसपास होने के बाद कई बच्चे जो है पिकअबू या फिर वो जो छुपा छुपाई जो बोलते हैं जो गेम्स होती है वो खेलने शुरू करते हैं, और कई बच्चों को अगर सिखाए तो वो टाटा बाय बाय बोल के वो बच्चे करने लग जाते हैं, टाटा बाय बाय भी सीखते हैं 9-10 महीने में। 11-12 महीने में जैसे नाम से बुलाएंगे तो वो नाम को रेस्पोंड करने लग जाते हैं। फिर 14-15 महीने में बड़े लोग जो भी करते हैं वो उसको मिमिक करते हैं, उसको एक्टिंग करके दिखाने की वो कोशिश करते हैं। और जैसे 17-18 महीने के हो जाते हैं, अगर उनको सिखाया जाए तो वो बॉडी पार्ट्स को दिखा सकते हैं, नोज कहाँ है, ये कहाँ है, वो चीज़ों को पॉइंट करके दिखा सकते हैं। पॉइंटिंग भी उनकी शुरू हो जाती है कि बेटा फ़ैन कहाँ है तो वो दिखा देगा, ये कहाँ है तो वो पॉइंट करके दिखा सकते हैं। तो 18 मंथ से ही ये शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद करीब जब 2 साल के हो जाते हैं तो वो कई सारे टॉयज़ के साथ खुद अकेले भी खेलने लग जाते हैं। और ख़ासकर सोशल माइलस्टोन्स में बच्चे जो हैं अपने इंटरेस्ट को शेयर करना चाहते हैं, वो आके आपके पास दौड़ के आके दिखाएंगे कि ये देखिए कि मेरे पास ये है। तो ये शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशल माइलस्टोन्स है, क्योंकि जो ऑटिज़म के बच्चे हैं ये ना पॉइंटिंग करते हैं ना अपने चीज़ों को इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल माइलस्टोन्स माना जाता है। और जैसे और बच्चे बड़े होके जाते हैं, 2 साल के ऊपर चले जाते हैं, तो बाकी कई बच्चों को जो कंपनी को बहुत पसंद करते हैं वो ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। और जैसे और बड़े होंगे 3 साल के बाद वो अपने नाम अगर पूछे तो नाम बता सकते हैं, अगर 3 बेसिक कलर्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। और 3-4 साल के ऊपर के बाद तो घर में जो छोटे छोटे हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपने मम्मी के साथ साथ वो पीछे पीछे झाड़ू लगाएंगे, ऐसे छोटे छोटे काम जो होते हैं जो बेसिक एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई एक बेसिक सोशल माइलस्टोन्स की बातें। तो शुरुआत में मैंने जैसे कहा था कि ये 4 डोमेन्स में क्यों माइलस्टोन्स को डिवाइड किया गया है। तो जब हमारे पास बच्चे आते हैं प्रॉब्लम लेके, तो कुछ बच्चों को कुछ माइलस्टोन्स हो सकती है, कुछ डोमेन्स अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि अगर किसी का केवल मोटर डोमेन अफेक्टेड है, यानी कि बच्चा जो है पूरा बोलता है, बच्चा सब समझता है, उसका सोशल एक्ट जो है बहुत अच्छा है, 3 साल का बच्चा है सपोज एग्जांपल के लिए आप लीजिए, लेकिन जो है वो चल नहीं पा रहा है, अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी चलने में दिक्कत है, इसका मतलब है कि उसका ज़्यादा प्रॉब्लम या तो मसल में है या नर्व्स में है। तो केवल अगर मोटर अगर अफेक्टेड है बच्चों का तो हम लोग सोचते हैं कि ये मसल या नर्व की बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा है। अगर किसी को 2 या 2 से ज़्यादा डोमेन्स में अगर अफेक्ट किया है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। तो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले के बहुत कारण हो सकते हैं, वो आपका ब्रेन में अगर कोई डैमेज हुआ है जिससे सेरेब्रल पाल्सी हो गई वो हो सकता है, या फिर जन्म के टाइम में माँ को कोई इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन में कोई बच्चे का डैमेज हो गया जिसको इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन कहते हैं उसकी वजह से हो सकती है, या क्रोमोजोम या जीन से रिलेटेड ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होती है। उसमें हम लोग सोचते हैं कि बच्चों का ब्रेन में ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो और तीसरी बात जैसे कि अगर किसी का केवल स्पीच और लैंग्वेज एंड सोशल, है ना, सोशल और स्पीच का अगर अफेक्शन है लेकिन बच्चा टाइम पे चला है तो ऐसे बच्चों को जो है ऑटिज़म जैसी बीमारी हम लोग सोचते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट। और डोमेन्स का जो है फ़ायदा बहुत होता है, स्पेशली डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है, हमारा एक डेवलपमेंट डिले का जो बच्चे आते हैं उसको किसे हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या क्या टेस्ट लिखें, तो उसमें हम लोग को बहुत हेल्पफुल रहता है ये चीज़। तो आज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया बेसिक जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से बच्चों को डेवलपमेंटल डिले का प्रॉब्लम हो सकता है और इसके क्या क्या और ज़्यादा कारण हैं, और कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि इस उम्र में तक अगर ये नहीं करेगा तो बच्चे को डॉक्टर के पास जाना ही है। तो ये सारे जो रेड फ्लैग साइंस जो हम कहते हैं उसके बारे में भी मैं अगले वीडियोज़ में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो इसके साथ मैं डॉक्टर